1 मई 2023 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की रात चुपचाप रख देना यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 5 मई 2023 को लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए ना केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी इस चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा की रात को लगने जा रहा है और पूर्णिमा की रात वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जो आपको हम तुरंत ही बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिस दौरान आप जो भी उपाय करेंगे उसका पलट करके आपको हजारों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है, त्यौहार की पूजा पाठ होती है, तो उसकी जो पूजा पाठ की शुरुआत की जाती है वो 1 रुपए के सिक्के से की जाती है। और आपको नहीं पता तो बता दें, माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा पाठ किया जाए, कार्यक्रम किया जाए, तो उनकी भी पूजा पाठ 1 रुपए के सिक्के से ही शुरू की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा को 1 रुपए के सिक्के के बिना संपन्न और पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए 1 रुपए के सिक्के का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व बताया गया है। और अगर आप पूर्णिमा की रात 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, तो ना केवल दोस्तों आपको अपने जीवन की गरीबी, परेशानी, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, इस चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, मतलब कि इस दौरान किए गए उपाय आपको पलट करके हजारों गुना लाभ। दोस्तों, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। और आपने ये बात देखी भी होगी दोस्तों, जितने भी तांत्रिक होते हैं वो पूरे साल सिर्फ चंद्र ग्रहण का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान तांत्रिक जो होते हैं वो अपनी पूजा पाठ तुरंत ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस दौरान की गई पूजा कभी भी विफल नहीं जा सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। वो लोग भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा, एकादशी जैसे पावन दिनों पर कुछ ना कुछ उपाय करते हैं जिसके बाद उनको उस उपाय का लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और दोस्तों, अगर आपने भी 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पूर्णिमा की रात जब भी चंद्र ग्रहण मिलकर के लगता है तो इसका अपने आप में एक विशेष और खास महत्व हो जाता है। और 5 मई 2023 के दिन चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा एक साथ लगने जा रहा है, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय बताने आ रहे हैं जो अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको आपके भाग्य का उस तरीके से साथ मिलेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन काल में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात ना केवल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि चंद्रदेव जी का वो कृपा मिलेगी कि आपके भाग्य आपका साथ देना चालू कर देगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का वरदान आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा ताकि चंद्र ग्रहण की रात कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप करके लाभ पा सकते हैं वो दोस्तों आके हम आपकी राशि के अनुसार बता देंगे आपको। तो तुरंत ही जाइए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है। यह रात 8:44 से शुरू होगा, इसका समापन 1:02 पर होगा, यानी कि जो इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि होगी वो 4:17 की होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है आपके जानने के लिए कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 11:44 से इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। और ये जितने भी हम आपको उपाय बताने रहे हैं ये चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ही आपको करने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सही मुहूर्त पर किए गए यह उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, आपके जीवन के हर दुख को नष्ट कर देंगे, आपके दुर्भाग्य
दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। लिखने के साथ एक चीज़ कीजिएगा कि जो आप उपाय के बारे में लिख रहे हैं उसकी मुहूर्त भी लिख लीजिएगा कि किस मुहूर्त पर कौन सा उपाय करना है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में, अगर आप किसी तांत्रिक से, पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से पूजा पाठ करवाएंगे तो जो उसका लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। लेकिन चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, इस दौरान अगर आप खुद ही कोई पूजा पाठ कर दें और उस पूजा को सिद्ध कर दें या कोई भी आप उपाय करें तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो उसी दिन और तुरंत ही मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों इस मौके को जाने मत दीजिए। हम आपको बता चुके हैं इस चंद्र ग्रहण पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और दोस्तों 1 रुपये का सिक्का तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, बस इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको एक एक जानकारी हम बताते हैं और हर उपाय के बारे में सही तरीके से समझाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे निवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव को खत्म करने का महाउपाय। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के राहु केतु बिगड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत भयानक दुष्प्रभाव उसको देखने को मिलता है। न केवल उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है बल्कि राहु केतु के खराब होने के बाद वह व्यक्ति जिस निर्णय को भी लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको घाटा पहुंचता है। तो इसके लिए एक महा उपाय बताया गया है जो चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा की रात को आप कर सकते हैं और इसका आपको पलट करके वो लाभ मिलेगा कि राहु केतु आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि 11:44 पर चंद्र ग्रहण मतलब 5 मई 2023 को सूतक काल शुरू हो जाएगा चंद्र ग्रहण का। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर आना है, नहाने धोने के बाद एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े पे एक मुट्ठी लौंग डालिए। एक मुट्ठी लौंग डालने के बाद ऐसा 1 रुपये का सिक्का रखिएगा जो कटा पिटा ना हो, थोड़ा चिकना सिक्का हो, उसको रख दीजिए। बस इतना आपको करना है और वहाँ से आपको हट जाना है। अगले दिन आपको क्या करना है कि अगले दिन दोस्तों आपको उस लौंग और 1 रुपये के सिक्के को उठाने से पहले एक दिया जला दीजिएगा जहाँ पर आपने इसको रखा है। दिया जलाने के बाद आप लोगों को इसकी एक पोटली बना लेनी है और इसी 1 रुपये के सिक्के और एक मुट्ठी लौंग को ले जा करके किसी भी मंदिर में दान कर देना। सिर्फ इतना उपाय आपको इस चंद्रग्रहण के दूसरे दिन मतलब 6 मई को करना है और चंद्रग्रहण वाले दिन लौंग और सिक्का घर के पूजा घर पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके राहु केतु की जो दृष्टि होगी वो आपके लिए अच्छी हो जाएगी और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचेगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता। तो यह उपाय कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको यह उपाय करना है जैसे सूर्यास्त हो जाए मतलब 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों पीतल की कटोरी के अलावा आप कोई दूसरी कटोरी ले नहीं सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लीजिए, उसमें 10-12 रुपये का गंगा जल आता है, उस पानी को भर दीजिए, उस पानी में 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। अब इस कटोरी को घर की ऐसी छत की जगह पर रख दीजिए जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो, चंद्र ग्रहण की पूरी रोशनी इस पर पड़नी चाहिए। चंद्र ग्रहण की रात के बाद मतलब 6 मई को इसी कटोरी को उठा करके लाइए, 1 रुपये के सिक्का जो आपने उसमें रखा था इसको अच्छे से धो लीजिए फिर से और इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके मौली धागे से बांध दीजिए और इसी जो आपने पोटली बनाई है इसको अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की आर्थिक स्थिति जो होगी वो कैसे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा और जो आपके पास धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करना मत भूलिएगा दोस्तों, यह उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल करके रख सकता है। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दौड़ने लग जाए तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। 11:44 पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी पूजा घर जाना है, पूजा घर जाने के बाद आपको 6 मौली धागे वाला बंडल खरीद लाना है। 6 मौली धागा जो बंडल में आता है वो खरीद लाइए और इसको लाने के बाद अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और जब आप पूजा घर पर रखिएगा तो पूजा घर पर रखने से पहले एक दीपक जला दीजिएगा। अब आपको वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का रख देना है और इसी बंडल को उठा करके आपको अगले दिन किसी भी घर पूजा घर पर जाकर दान कर देना है। 1 रुपये का सिक्का और 6 ये बंडल दान कर देना है और यकीन मानिए दोस्तों यह उपाय करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, व्यापार इतनी तेज़ी से चलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। देखिए मनोकामना पूर्ति के लिए हमें किसके पास जाना होता है, वो जाना होता है हमको भगवान बजरंगबली की जी की शरण में, क्योंकि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल जाए तो ऐसी हमारी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। तो चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो 5 मई को लग रहा है, तो सूतक काल में आप लोग गुड़ खरीद करके ले आइएगा। 500 ग्राम गुड़ ले आते हैं जो बड़ी आसानी से
20-25 रुपए का मिल जाएगा। गुड़ 500 ग्राम खरीद लाइए, इसको किसी भी लाल पोटली में रख दीजिए गुड़ को, और लाल पोटली में रखने के बाद 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा और इसको अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, 6 मई को इसी पोटली को उठा करके किसी भी बजरंग बली के मंदिर में दान कर देना है। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आप बजरंग बली जी के सामने बोलिए और बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपकी अवश्य ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो का ही पर समाप्त।